हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, बस चल रहा है। अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं और मैं नहा कर किचन आ गई हूँ। किचन का सारा काम फिनिश है, कंप्लीट है, एक भी बर्तन जूठा नहीं है। तो ये रात में जो राजमा की सब्ज़ी बनी थी काफ़ी बच गया था। मेरा भाई तो सुबह ही चला आता है योग करने के लिए, तो इसको मैंने गर्म कर लिया था और ये बाबू को नाश्ता दिया था। तो बाबू ने नाश्ता कर लिया था और चूँकि रात का घी लगा हुआ 2-3 रोटी बचा था, तो बाबू को मैंने वही रोटी गर्म करके दे दिया था। लेकिन मैं घी वाला नहीं खाना चाहती हूँ, मुझे डर लगता है गैस वगैरह ना हो जाए। तो मैं आटा मिला के अभी रख लूँगी, रात के लिए भी रख लूँगी, क्योंकि आज तो पूरे दिन बिल्कुल अकेली हूँ। अकेली तो 2-3 दिन से रह रही थी, लेकिन रात में मेरा भाई आता था। आज रात में न ये हैं न मेरा भाई है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए आटा मिलाना शुरू कर दिया है और 2-3-4 रोटी अभी के लिए बना लूँगी, और जो आटा बचेगा उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद वही राजमा की सब्ज़ी और रोटी खाऊँगी। और आज मैंने सुबह सुबह भुट्टा मंगाया था, भुट्टा खाने का भी बहुत मन कर रहा था। 20 रुपये किलो दिया था, जिसमें कि 4 भुट्टा आया था। तो हल्का ही नाश्ता करूँगी, उसके बाद भुट्टा खाऊँगी। बाबू ने 1 घंटा पहले ही नाश्ता कर लिया है, तो इसको भी बॉर्नविटा देने का टाइम आ गया है। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन आऊँगी। और ये तोरी जो देख रहे हैं ये तो नहीं ही मैं बना पाई, सूख गया पूरी तरह से। तो यहाँ पर मैंने रात का दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। रात में चूँकि हैवी सब्ज़ी बना था, तो उसके बाद फिर दूध वगैरह पीने की इच्छा नहीं होती। और यहाँ पर ये खुद ही नहा कर अपने से आ गया है बाबू, तो मैं इसको बनियान पहना रही हूँ। उसके बाद ये इसको बॉर्नविटा दूंगी और मैं 2 भुट्टा पका लेती हूँ। आज तो नींबू भी नहीं है, तो काला नमक और मिर्च पाउडर देकर खाऊंगी। तो भुट्टा मैंने खोल कर देखा तो ये बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल हार्ड नहीं था, बिल्कुल सॉफ्ट था। तो मैं भुट्टा पका लेती हूँ और बाबू को बॉर्नविटा देने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। 2 अभी पकाऊंगी, 2 रख दूंगी। और चूँकि दिन ऐसा करता है कि पूरी तरह से सूख जाता है, सूख जाने का डर होता है, तो या तो आप इस तरह से पका सकते हैं या फिर कुकर में भी सीटी लगा के इसको खा सकते हैं। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, डियर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। और भुट्टा वगैरह खाने के बाद लगभग 8:30 बजे मैंने नाश्ता किया था, 10 बजे के आसपास मैंने भुट्टा खाया था। और उसके बाद दिन भर मैं दाल चावल बनाया था, जो कुकर अभी भी साइड में रखा है, और राजमा की सब्ज़ी बहुत अधिक बची हुई थी, तो दाल चावल वही सब्ज़ी खाया था। और अब मैं सीधा आपको रात का ही दिखा रही हूँ। तो जो आटा बचा था उसका मैंने रोटी बना लिया, और ये जो कपड़ा था इसको मैं भुट्टे को लपेट कर कपड़ा भिंगा दिया और उसको लपेट कर रख दूंगी। और इसीलिए मैं कपड़ा रख के रोटी बनाती हूँ, जिससे कि चींटी कम लगे। तो एक बार अच्छे से मैं पूरे स्लैब्स को पोंछ लूँगी, बस वही चींटी का ही डर लगा रहता है, कहीं कहीं काट भी। और ये जो घड़ा है, घड़ा से तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। एक तो होता क्या है कि महकने लगता है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा इसको साफ़ करती हूँ। नमक पानी डालकर साफ़ करने के बाद बिल्कुल सौंधी गमक आने लगती है, और अगर छोड़ दूँ तो फिर महकने लगता है। इसको धोकर पलटा के भी रखूँ तो भी महकता है, धूप में रखूँ तो भी महकता है, और ये कहीं से फट गया है, पानी से गिरते रहता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का खाना पीना हो गया है। अभी तो कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ रोटी और दूध यही खा लिया हमने भी, और बाबू को भी दे दिया, क्योंकि अब अकेला इतना बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो बस रोटी दूध ही खा लिया। और ये इसको मैं दवाई दे रही हूँ, वो दादी के उसमें जो गया है, इसका खाना पीना सब खत्म हो गया, इतना बीमार हुआ कि ये एक एक्टिवेट करके आता है, अनानास का जूस टाइप का होता है, जिससे कि भूख लगती है। तो 1 चम्मच इसको दे दिया मैंने, और खाना बना सब कुछ हो गया, सब कुछ 2-3 रोटियाँ बची थी उसको मैंने रख दिया। उसके बाद मैं घड़े के काम में लगी हूँ, तो जो नमक पानी डाला था उसको उड़ेल दिया, 2-3 बार अच्छे से साफ कर लूँगी, और उसके बाद मैं पानी डालकर चेक करूँगी। अभी ही समय है, क्योंकि ये घर में है नहीं, नहीं तो ये घर में रहते हैं तो परेशान करने लगते हैं, सवेरे सो जाओ तो ये ख़राब हो जाएगी, इतना काम मत करो। तो यहाँ पर मैंने पानी डाला और पानी डालकर चेक कर रही हूँ कि ये लीक कहाँ से है, क्योंकि पूरा किचन पानी पानी हो जाता है और मुझे गिरने का डर लगता है। और ये देखिए, इतना सा पानी डालते ही पता चलने लगा यहाँ से फटा है,
तो अभी तुरंत मैं इसका रिपेयरिंग करूँगी। मेरे पास सीमेंट है, आप लोगों को पता होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, बालकनी में जो तुलसी भगवान का पिंडा देखते हैं या कोई भी पॉट वगैरह देखते हैं, वो खुद से मैंने बनाया है। आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि आप जो तुलसी का वो बनाई हैं चौरा, उसको शेयर करिए। तो बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी मैंने कैसे बनाया था कुकर के डब्बे की मदद से। तो यहाँ पर वही बचा हुआ सीमेंट था, तो अभी वो सब काम नहीं कर पा रही हूँ, तो उसी सीमेंट को लेकर आई और इसको मैं पूरा जहाँ जहाँ फटा है डाल रही हूँ। और बाबू को मैंने काम दिया है कि अब जितना अधिक पानी डाला था सबको मैंने टोपिया में निकाल दिया, और ये प्यूरेट का पानी था जो कि अभी सूखने के बाद इसमें डालती है, बाद में ये काम में आता। लेकिन ये देखिए इसने क्या किया, ढक्कन देकर ये भाग गया है, यानी ये पूरा पानी बर्बाद हो गया। और ये जो सीमेंट लाने के लिए इसको कहा है तो गेस्ट रूम का पूरा हालत ख़राब कर दिया। इधर जो जितना देर में किचन में थी बिल्कुल अकेला था, उतना देर में सोफ़ा का कवर ये वो सारा चीज़ ऐसा कर दिया है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, दो तीन दिन से बहुत परेशान करता है। तो किचन का मेरा पूरा काम हो गया, खाना पीना हो गया, सब कुछ समेट दिया और घड़े में सीमेंट डालकर छोड़ दिया जिससे कि पानी उसमें ठहरे। तो आप लोगों के पास अगर कोई उपाय हो कि आखिर वो इस तरह से महकता क्यों है, नमक पानी देने के बाद फिर सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं इसीलिए सारा चीज़ ठीक कर रही हूँ, बेड और सोफ़ा, ताकि ये बिल्कुल सुबह आ जाएंगे, 4-5 बजे सुबह ही आ जाएंगे। और मुझे बहुत शर्म आती है, बुरा भी लगता है कि ये आएंगे तो क्या सोचेंगे कि कैसे रखती है घर वर को, मतलब इस तरह से करके रख दिया है, सुबह सुबह ही देखेंगे। और रात में अगर आप पूरा घर आपका साफ़ रहता है, जैसे किचन साफ रखते हैं, तो मेरे मन में चलते रहता है और मैं हमेशा सोचती हूँ मैं यही करूँ, हर जगह पूरा नीट एंड क्लीन हो, जिससे कि सुबह सुबह उठने पर आपका मन खुश हो जाए। जिस तरह किचन साफ़ रखते हैं उस तरह हर जगह साफ़ होना चाहिए, और इससे लक्ष्मी भी आती है। और खाना खाने के तुरंत बाद मुझे लेटना बैठना भी नहीं होता है, 10-15 मिनट तो इस तरह घूमना फिरना होता है, तो मैंने काम को ढूंढते रहती हूँ। काम तो बहुत सारा है लेकिन उसी टाइप के काम को ढूंढती हूँ जिसमें कि अधिक परेशानी ना हो, झुकना ना पड़े। तो ये भी मेरे साथ साथ जगा हुआ ही था, ये सोया नहीं था। और बेडरूम में भी दोपहर, आज तो दोपहर में भी मैं सो गई थी, नींद आ गई थी मुझे, तो वहाँ पर भी उसी तरह से पूरा कोहराम मचा हुआ है, बेडरूम भी उसी तरह से बिखरा है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़ा का कवर ठीक कर दिया है, और जो ये हटाया था सोफ़ा, क्योंकि टेबल के नीचे सीमेंट रखा हुआ था, ये लाया था। और शाम में जब न्यूज़ में देख रही थी, थोड़ा सा चना का भुंजा खा रही थी बैठे बैठे, तो उसका भी पूरा छिलका वगैरह नीचे बिखरा हुआ है, तो एकदम अच्छा नहीं लगता है। इससे लक्ष्मी भी नहीं आती है, घर द्वार पूरी तरह से साफ़ होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सारा जो कपड़ा मैंने धोकर डाला था एक दिन पहले, जो आपने देखा था, सब मैंने टब में रखा है। आज सोफ़ा का कवर धोकर डाली थी, वो भी सूख गया है, बेड शीट भी सूख गया है। तो इन सब चीज़ों को सब जितना ऊपर में है कम से कम उतना मैं समेट कर रख दूं, जिससे कि घर अच्छा लगे देखने में। तो इस तरह से काम चलते रहता है। और जैसे आप लोगों को पता है, 2-3 बार मैं नहा लेती हूँ, कभी बाल से नहा लेती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। और आज रात तो बहुत मुश्किल से कटने वाली है डियर, क्योंकि आज मेरा भाई रात में ही निकल जाएगा, मेरे हस्बैंड ससुराल से निकलेंगे, मेरा भाई यहाँ से जाएगा, क्योंकि कल है 24 अप्रैल, संडे को मेरे कज़न का है एंगेजमेंट, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं बस हमको छोड़कर, और मेरे हस्बैंड भी नहीं गए क्योंकि वो शादी में गए थे, तब उनकी कल रात की आज रात की वापसी है, तो वो भी नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चीज़ को समेट लिया अच्छे से, और झाड़ू से अब मैं झाड़ू दे दूँगी। थोड़ा सा मन में डर टाइप का लगता है, क्योंकि मेरे पास भी माँ आके रही थी इस तरह से, और दिन भर तो अकेले रहकर मैंने काट लिया, बस भगवान रात अच्छे से गुजार दे, तब फिर कल अपडेट दूँगी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किस तरह से मेरी ये रात कटी। बहुत मुश्किल है कटना। और बालकनी का मैंने डोर लगा दिया, लाइट बंद कर दी। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम में मैं बेड को अच्छे से ठीक ठाक कर लूँगी। बेड शीट तो कल ही बिछाया था, तो यहाँ पर मैं अच्छे से बेड शीट लगा दूँगी, क्योंकि अगर घर वर साफ रहता है, बेड शीट ठीक रहता है, नींद काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं बेड शीट तक ठीक कर दूँगी। और बाबू को मैंने कहा ब्रश भी कर लो, क्योंकि रात में ब्रश करना ही करना चाहिए, इसको स्कूल में भी सजेस्ट किया जाता है और हम लोग भी शुरू से ही करते हैं, करना भी चाहिए। तो बाबू ब्रश भी कर रहा है, उसके बाद मैं भी कर लूँगी ब्रश भी करने का, क्योंकि आज तो दूध पीना नहीं है। और हॉल भी जो है, हॉल यहाँ पर मैं पीने के लिए पानी लेते आए हूँ, क्योंकि रात भर मुझे बहुत प्यास लगती है, बहुत ही ज़्यादा, और उठकर पीना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी पीना तो पड़ेगा, प्यास तो रोक नहीं सकते हैं। और
यहाँ पर मैं भी ब्रश करूँगी, बाबू भी ब्रश करेगा, उसके बाद फिर वॉशरूम ले जा कर के इसके पैर हाथ को धो दूँगी अच्छे से, चेहरे को धो दूँगी, मैं भी अपना धो लूँगी इस तरह से। और हॉल भी जो था पूरा किचन का, गेस्ट रूम का अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे ट्रंक पे जो सामान रखा है, और हर जगह का पर्दा मैं इसी तरह हर रात में डोर खींच कर लगा देती हूँ। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ एकदम आराम से बैठने, अब मुझे बहुत राहत मिल रही है कि अब मैं आ गई हूँ फाइनली बैठने। बाबू का पैर हाथ पोछूँगी, अपना पोछूँगी, पानी पीऊँगी, लाइट ऑफ करूँगी, सो जाऊँगी। तो आप लोगों को भी गुड नाइट डियर चैनल पर फिर से मैं कह रही हूँ, जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।